तो मेरे पास यहाँ पर दो मॉडल आ रखे हैं, दोनों मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ। एक है हमारा EFI मॉडल के लिए, जिसके अंदर हमारा पेट्रोल मीटर भी दिखाएगा, और एक है फ्यूल गेज मॉडल। इसमें हमें लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा फ्यूल गेज टैंकी के अंदर, और इसके अंदर टैंकी के अंदर लगा हुआ आता है, तो सिंपल इसका वन लग जाएगा। ठीक है, अब दोनों खोल के दिखाता हूँ मैं, दोनों के अंदर अलग अलग क्या है। पहले दिखा देते हैं EFI वाला आपको खोल के। अब इसकी यहाँ पर चिट खोल देते हैं, और सबसे पहले इसका एक मैनुअल आता है कि इसको कैसे फिट करना है, किस तरह से फिट कर सकते हैं, और डायग्राम दे रखा है कौन सी वायर कहाँ पर कौन सा सॉकेट लगेगा। मेरी नज़र में तो बिल्कुल इजी है, इसको घर बैठे आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं इसका वीडियो डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा लगाने वाला तरीका, कि कैसे इसको बिल्कुल इजी टू प्लग इन प्ले है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका कपलर आ गया जो ये मीटर में जाएगा, और ये दो सॉकेट हैं, ये सब बताएंगे। पहले दिखाता हूँ फ्यूल गेज, ये हमारा मीटर वायर है जो नीचे टाइट हो जाएगी, और ये हमारा सॉकेट इसके अंदर लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है, एक क्लिप है, ये ट्रिप मीटर को न्यूट्रल करने के लिए, मतलब ट्रिप मीटर चालू करने वाला, और ये फाइनली रहा वो मीटर। तो इसको निकाल देते हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, एक बार और खोल के अच्छे से देख लेते हैं। और हैवी भी है, ये नहीं कि बिल्कुल प्लास्टिक है, अच्छा मेटल है। देखिए ये रहा मीटर, अब इस और बाकी फंक्शन नॉर्मल रहेगा। अब मैं बता देता हूँ ये कैसे लगेगा। देखिए हमारा ये कपलर है, ये कपलर हमारा नॉर्मल इसके अंदर फिट हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से लेना है इसको, और ऐसे दबा देना है, तो देखिए कपलर फिट हो गया। इसके बाद जस्ट इसको फिट करने के बाद यहाँ से सील कर देना है कि अंदर पानी ना जाए, इस तरह से देख सकते हैं अच्छे से फिटिंग हो गई है। और ऐसे ही यहाँ दूसरी साइड से इसका फिटिंग कर दें। और मेरी नज़र में अगर आप 5 रुपये का फेविक्विक लेके यहाँ से इसको बिल्कुल सील कर देते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। देखिए वैसे तो फिट हो जा रहा है, फिर भी अगर आप 5 रुपये का फेविक्विक लेके इसको बिल्कुल सील कर देंगे तो ये निकलेगा नहीं। और इस तरीके से तो मीटर फ़िलहाल मैंने गाड़ी में लगा के इसलिए दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैं इसका गिव अवे करने वाला हूँ, और इसका एक स्पेशल गिव अवे होगा जो आपको अगर आप वैसे बाय करेंगे तो ये आपको डिस्काउंट में मिलेगा। इसलिए मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो नहीं बनाया, ये सिर्फ लगा के दिखाता हूँ कैसे काम करता है। और इसके अंदर ये क्लासिक है, क्लासिक के अंदर आप फ्यूल गेज लगाना चाहेंगे तो आपको टैंकी के अंदर लगाना पड़ेगा। और बाकी फंक्शन देख लेते हैं, देखिए इंडिकेटर काम कर रहा है, ठीक है दोनों इंडिकेटर काम कर रहे हैं। हेडलाइट देख लेते हैं, देखिए हेडलाइट का पॉइंट जल रहा है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं एक ट्रिप मीटर, आप यहाँ देख सकते हैं ट्रिप मीटर है, और यहाँ पे इसका बटन दे रखा है, एक मैंने अलग से लगा रखा है, इसी में साथ में आया था। और ये ट्रिप मीटर भी बिल्कुल बढ़िया काम करता है, आप देख लेते हैं किलोमीटर कैसे काम करता है। एक बार हम पहिया घुमाएंगे टायर, देखिए 9, 8, 7, थोड़ा और तेज़ घुमाइए, नॉर्मली हाथ से 20 तक तो पहुँचा ही सकते हैं। और देखिए टायर घूम रहा है हमारा, और ये वायर लगी है। ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं इसका डिटेल में वीडियो आएगा 2 दिन के बाद, क्योंकि मैं स्पेशल मतलब मेरे पास 2 मीटर आए हैं, एक आया है फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी के लिए, एक आया है 350 के लिए। और आपके पास अगर इसको गिवअवे पाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और बताना है आपके पास कौन सी बाइक है और आप इसको क्यों लगवाना चाहते हैं, भाई इतना सा लिखना है और आपका ये गिवअवे हो सकता है। और इंस्टाग्राम पे इसके बारे में बाकी जानकारी इंस्टाग्राम में आएगी, और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं इसका। अगर आप इसको अभी ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और अगर फॉलो करना चाहते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे तो वो भी लिंक नीचे मिलेगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और इसका जो गिव अवे विनर होगा वो इंस्टाग्राम पे बताया जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, जल्दी डिटेल वीडियो आएगा 2 दिन के अंदर।